अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हेलो एरीज और हेलो बेंजीन। ओके, तो देखो बच्चों, हेलो एरीज मींस हैलोजन डेरिवेटिव्स इन विच हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। समझ गए बच्चों कि ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड रहता है, लिंक्ड रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स। ओके, यही डेफिनेशन है कि हैलोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। समझ गए बच्चों कि हैलोजन परमाणु जो है वो बेंजीन वलय से प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं, जुड़ा होता है, उन्हें हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। आईयूपीएसी सिस्टम में इनको बोला जाता है हेलो बेंजीन। समझ गए ना, मींस हैलोजन जो है उसका नेम लिखे हेलो फॉर्म में और फिर बेंजीन लगा दें। अगर एक से ज्यादा हैलोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, समझ गए ना, मींस क्लोरो भी, ब्रोमो भी, आइडो, तब वहां पर आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करना है। समझ गए बच्चों कि अगर एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करना है, और फिर इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। जैसे याद रखें अब कि फर्स्ट एग्जांपल है फ्लोरोबेंजीन मींस फ्लोरीन, जो आप देख रहे हैं डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमाइड आयन या ब्रोमाइड डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, आयोडोबेंजीन। यहां पर अब आप देखें कि क्लोरो भी है ब्रोमो भी है, तो यहां पर आप अल्फाबेटिकल नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर नंबरिंग करें और फिर इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ब्रोमाइड फर्स्ट आता है, फिर सेकंड में क्लोराइड आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां ब्रोमाइड या ब्रोमीन अटैच्ड है तो वन ब्रोमो टू क्लोरो बेंजीन। अब यहां पर देखें आप, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो हमारा सेट बड़ा आएगा नंबर का, लोकेंट नंबर का, लेकिन हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमारा एक सेट बनेगा 1, ठीक है, 1 2 4, और यहां से करते हैं हम तो 1 2 4 5 6, तो ये वाला रूल फॉलो करना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो आप नंबरिंग यहीं से करेंगे ना कि अल्फाबेटिकल। तो आप यहां पर देखें 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आइडो बेंजीन, तो यहां तक समझ गए, हो गए, ये तो बहुत ही सिंपल रूल है, वैसे भी मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये पूरा अच्छी तरह से भी बताया, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन मेथड्स में। ओके, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट हमने ली है फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखो बच्चों, जो बेंजीन रिंग है इसका हैलोजिनेशन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो सभी प्रकार के हेलो एरीन्स बनते हैं, केवल फ्लोरो एरीन्स इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, तो उसको हम अलग मेथड से देखेंगे। ओके, तो यहां स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि देखो यहां है, ये है हमारे पास बेंजीन। ओके, यहां पर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, AlCl3 anhydrous, या फिर हम ले सकते हैं FeCl3 anhydrous, इस तरह से। तो इस रिएक्शन में ये रिमूव होगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर हमारा, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ओके, और प्लस क्या, HCl। हम मैं सबकी एक कॉमन मैकेनिज्म बता दूंगा इस तरह से। दूसरा है कि अगर हम यहां रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ओके, प्रेजेंस होगी यहां पर AlBr3 anhydrous या फिर FeBr3 anhydrous। अब मैं ये कहूं कि यहां AlCl3 क्यों नहीं ले रहे, यहां यहां पर FeCl3 क्यों नहीं ले रहे, तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये लिए नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर हमने AlCl3 यूज कर दिया तो ब्रोमोबेंजीन के साथ साथ ठीक है क्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जब AlBr3
समझ गए ना, AlCl3 अगर आप यहां यूज करोगे और वो जब ब्रोमाइड को हटाएगा तो ऐसे में क्लोरीन भी रहेगा और ब्रोमीन भी, तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ओके, तो ब्रोमीन भी अटैक कर सकता है और क्लोरीन भी अटैक कर सकता है। तो इसे ऐसा करने से एक प्योर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां पर ब्रोमो बेंजीन। अभी मैं आपको मैकेनिज्म से और बता दूंगा इसका यूज क्यों हुआ। तो यहां हो गया हमारे पास HBr, ये क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। अब हम आते हैं आयो बेंजीन, HI+ iodine। ओके, तो यहां पर आयोडीन का यूज होता है, बट यहां पर यूज होता है HNO3 या फिर HIO3 या फिर HIO, और ऐसे में हमें मिलेगा iodobenzene+HI। अगर इनकी एब्सेंस है बच्चों, HNO3 या फिर HIO3 या HGO3, अगर ये एब्सेंट कर दिए जाए तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मींस रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो HI है ये दोबारा अटैक करता है और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि H+ और I+ ये जो होते हैं बच्चों, H+ और I+ इनकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है लगभग एक सी है, सिमिलर। ऐसे में रिएक्शन मींस यहां पर जो H+ है ये दोबारा अटैक कर देता है और ये आ जाता है यहां निकल के, और फिर ये आयोडाइड माइनस और इसको तो ये जुड़ जाते हैं। तो यहां पर ये एक ध्यान रखें कि इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट भी पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये भी स्लो स्टेप है और ये भी स्लो स्टेप है। तो जब स्लो स्टेप यहां पर आप देख रहे हैं, H का हटना स्लो स्टेप है, I का जुड़ फिर H का जुड़ना भी स्लो स्टेप है, तो ये रिएक्शन जो है बच्चों कैसी हो जाती है, एक प्रकार की आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है। मींस C6H6 के साथ सबसे फास्ट चलेगी, C6D6 के साथ उससे स्लो चलेगी, C6D6 के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि CH की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, CD की और ज्यादा है, CT की और ज्यादा है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट होने से इसका रेट अलग अलग आएगा अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज करते हैं। अब आता है कि इनका क्या वर्क होता है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे आपने HIO यूज किया है 4HI, तो ये क्या बना देगा 2H2O, या हम ये कहें 2HI लेने यहां पर प्लस HG और प्लस क्या आयोडीन, या HNO3 जो होता है वो क्या करता है HI को ऑक्सीडाइज करके H2O प्लस आयोडीन में फ्री कर देता है। तो ऐसे में जब ये HI अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी और ऐसे में हमें आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन मिल जाएगी, एक गुड यील्ड मिलेगी अगर हम इनकी प्रेजेंस रखते हैं। तो इस तरह से बेंजीन के हैलोजनेशन से क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो तीनों डेरिवेटिव्स बनते हैं यहाँ पर। अब इनकी एक कॉमन मैकेनिज्म बता दूं मैं आपको, और ये जानते भी हैं आप, वैसे भी मैं बता चुका हूँ हैलोएलिन की प्रिपरेशन की मैकेनिज्म के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर जो AlCl3, सपोज हमने इसका यूज किया Cl-Cl, तो ये चेंज हो जाता है Acl4+Cl+, ये क्या बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब क्या होगा कि ये है हमारे पास बेंजीन रिंग और ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा और ये यहां आ जाएगा और ये बन गया हमारा एक कार्बन कैटायन, जो कि यहां पर अब एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, नो एरोमेटिसिटी। अब ये केवल रेजोनेंस के कारण ही अपने आप को स्टेबल करेगा, मींस अब यहां पर ये पहुंच के चार जाएगा ऐसे, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से HNCl, और हम इनका एक फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें। ये है, तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड और ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ गए ना, ये जो स्ट्रक्चर है केवल रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड हुआ है, ठीक है, रेजोनेंस इससे स्टेबल हो गया और फाइनली बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड।
अब क्या होगा कि यहां पर अब आपने लिया H और ये है Cl, ओके, यहां पॉजिटिव चार्ज इस तरह से AlCl4-, तो ये बॉन्ड यहां और ये इसके साथ रिमूव हो सकता है, तो यहां पर रह गया Cl प्लस AlCl3 प्लस क्या कर गया HCl, तो हमारा यहां पर क्लोरो बेंजीन बन गया, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से कुल मिला के ये है हैलोबेंजीन बनने में जो मैकेनिज्म चली है, हैलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो है यहां पर। इसको ब्रेक करने का वर्क कौन करता है, ये मींस यहां से ये बॉन्ड, तो ये एक लुईस एसिड की तरह बनता है, तो यहां पर जो लुईस एसिड है जैसे ZnCl2 AlCl3 AlF3 सॉरी AlBr3 FeBr3 ठीक है, इस तरह के SnCl2 ये कैटलिस्ट यूज किए जा सकते हैं जो कि हैलोजन को एक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बना देते हैं। अगर हम यहां पर क्लोराइड लेते हैं, यहां पर क्लोराइड, तो हम यहां क्लोराइड रखते हैं, यहां ब्रोमाइड लेंगे तो यहां ब्रोमाइड रखते हैं, ताकि हमारे पास एक जिसका सब्स्टिट्यूशन कराना है वो इलेक्ट्रोफाइल बने, समझ गए ना। इस तरह से अगर आप यहां Br लगाते हैं यहां Cl, तो हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमाइड भी बन जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए जो कैटलिस्ट लुईस एसिड लिया गया है, जिस हैलाइड के करस्पोंडिंग में लुईस एसिड लिया गया है उसी के करस्पोंडिंग हैलोजन लिया जाए तो एक वुड इल्ड मिलती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इसकी मैकेनिज्म, तो ये है किससे हैलोएरीन को बनाना बेंजीन के हैलोजिनेशन से। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम एनिलीन, ओके, कई बार एनिलीन से भी है, या फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, समझ गए, हम इससे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो ये है हमारे पास एनिलीन, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं NH2, यहां पर H इस तरह से लेना डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, देखो ध्यान रखें NaNO2 प्लस HCl तब HNO2 प्लस NaCl इसका फॉर्मेशन होता है, मींस HNO2 स्टेबल नहीं है, डायरेक्ट यूज नहीं होता, पहले हमें इन दोनों को NaNO2HCl या NaNO2H2SO4 NaNO2HNO3 इस तरह का यूज करना होता है, तब ये इंटरमीडिएट फॉर्म में बनता है, फिर ये नाइट्रस एसिड और HCl जो यहाँ बचा हुआ है 0°C means 273 केल्विन, यहाँ इतना टेम्परेचर क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि डाई एजोनियम सॉल्ट जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पर स्टेबल है, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो इनसे नाइट्रोजन निकल के बाहर हो जाती है, तो वो नाइट्रोजन स्टेबल बनी रहे, मीन्स डाई एजोनियम सॉल्ट स्टेबल रहे, इसके लिए बहुत ही लो टेम्परेचर रखा जाता है। दूसरा जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल स्टेबल नहीं है, केवल हैलोजन, ये जब बेंजीन रिंग के साथ ही ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है, तो यहां पर आपके पास जो सॉल्ट बनता है N2Cl ये बन गया, यहां से ये रिमूव हो गया, देखो ऐसे, ओके, यहां से ये रिमूव हो गया ऐसे, तो यहां बचा N और Cl, ये जो बना हमारे पास ये है क्या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, ओके, अमोनियम सॉल्ट जैसा ही इसमें नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोला गया है यम। अब देखो इससे कैसे बनते हैं हैलोएरीन्स, यहां पर देखें N2Cl, ओके, प्लस Cu2Cl2 या Cu2Br2 इनका यूज किया जाए, जब हम इसका यूज करेंगे तो यहां HCl, इसका यूज करेंगे तो Br, तो यहां पर ये जो पूरा ग्रुप है बच्चों की ये इससे सब्स्टिट्यूट होगा, 2 मोल ले लें हम यहां पर, तो हमारे पास यहां आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये जो मैंने क्लोरीन यहां स्टार लगा के इंडिकेट किया है ये क्लोरीन यहां का है ना ये वाला, और प्लस Cu2Cl2 ये वाला Cl2 आ गया, और प्लस क्या 2N2, जस्ट यहां पर आप इसको और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में हैलोजन से ही एक्सचेंज होता है N2Cl, तो देखो यहां पर हमें मिल जाएगा क्या कि Br,
2Br plus Cu2 Cl2 plus 2N2। ओके, इस तरह से ये रिएक्शन जो है बच्चों इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो है फॉर्मेशन होता है, उसी का हैलोजन एसिड और उसी के करस्पॉन्डिंग क्यूप्रस हैलाइड दिया जाए तो ये चेंज हो जाते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। डाइअजोनियम सॉल्ट में और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक सैंडमेयर रिएक्शन से हेलो एनिलीन का तो देख रहे हैं आप कि एनिलीन से डायरेक्ट आ जाए तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से आ जाए या क्लोराइड से आ जाए तो पहले आप यहां से रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा। ओके, और यहां पर जो है फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है वो भी इसी से बनाया जा सकता है। तो देखो यहां पर अगर हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड लें और इसकी रिएक्शन Ki से करते हैं तब हमें मिलेगा यहां पर क्या पाइरोबेंजीन प्लस KCl प्लस क्या N2। ये फ्लोरोबेंजीन की बात करें अगर हम N2Cl प्लस तो यहां पर HBF4 या फिर NaBF4 का यूज होता है। पहले ये एक इंटरमीडिएट बनेगा N2BF4 ये रिमूव हो जाएगा या हम इसमें लें तो NaCl रिमूव होगा और यहां पर हमें मिलेगा N2BF4। फिर आगे ये डिकम्पोज हो जाता है और मिलता है फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। जस्ट ऐसा ही यहां पर होगा F प्लस N2 प्लस BF3। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं बाल्ज सीमान रिएक्शन। ये भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जब आप डिटेल में लोगे तो वहां पर आएगी ये रिएक्शन। तो देख रहे हैं आप कि चारों प्रकार के फोर टाइप्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के साथ वो डायजोनियम सॉल्ट से बनाए जा सकते हैं, मींस एनिलीन से बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से तो एक तो आपने देखी कौन सी मेथड हैलोबेंजीन वाली बेंजीन के हैलोजनेशन से, दूसरा है डायजोनियम सॉल्ट से। आप इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों हेलो एरिंग्स की प्रिपरेशन की कुछ और मेथड्स हैं जिनको मैं बता दूं। एक है हुंस्टीकर मेथड। वैसे भी मैंने हुंस्टीकर रिएक्शन जब बताई थी तो ये रिएक्शन बता चुका हूं, फिर भी देखें। ये है हमारे पास सिल्वर, ठीक है, बेंजोएट। जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपको पता है कि COOH ग्रुप हटेगा और यहां जाएगा Br AgBr और प्लस क्या CO। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर है फ्रॉम बेंजोएट जो सॉल्ट है विद सोडियम बेंजोएट, तो हैलोजन डेरिवेटिव वाला जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड सोडियम बेंजोएट का यूज करें तो आप जानते हैं कि यहां से इतना रिमूव होगा सोडा लाइम की प्रेजेंस में और हमें यहां पर मिलेगा X प्लस Na2CO3। ये भी क्या है हैलोएरिन, तो इससे भी हैलोएरिन बनता है। फिर आती है रासिंग मेथड। रासिंग मेथड जो है बच्चों ये क्लोरोबेंजीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लार्ज स्केल पर बनाया जाता है इसी मेथड से। इसमें क्या होगा कि ये 2H ये और O2 इनकी रिएक्शन से बन गया 2H2, तो बचा क्या बच्चों Cl, तो ये Cl यहां सब्स्टिट्यूटेड होगा और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इसी मेथड से होता है, रासिंग मेथड से। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट है कि जो हेलो एरिन्स हैं वो है कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। आप देखोगे जैसे आयोडोबेंजीन है ज्यादातर सॉलिड होता है,
ओके, तो रंगहीन द्रव या ठोस है। एक प्लेसेंट स्मेल, एक रुचिकर गंध होती है, मतलब एक अच्छी स्मेल होती है। ओके, ब्रोमोबेंजीन आयडोबेंजीन आर हैवियर देन वाटर बट फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ठीक है जो है लाइटर देन वाटर। इनमें जो ब्रोमोबेंजीन और आयडोबेंजीन काफी हैवी हो जाते हैं और ये वाटर से ज्यादा डेंसिटी रखते हैं, और बाकी जो फ्लोरो है क्लोरोबेंजीन है ये लाइटर देन वाटर। समझ गए बच्चों कि जो ब्रोमो और आयडोबेंजीन है वो जल से भारी है क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, बट जो क्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन है वो हल्के होते हैं। एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज साइज ऑफ हैलोजन, जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता है डेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि आपने अभी हैलो एल्किन्स में भी देखा था। और जितने ज्यादा हैलोजन्स होते जाएंगे उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। इसके अलावा इनके गलनांक पथनांक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ऑर्डर में चेंज होते हैं। फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयडोबेंजीन यही इनकी डेंसिटी का ऑर्डर है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। समझ गए ना, इस ऑर्डर में ये इंक्रीज होता है। डेंसिटी अगर आप क्लोरोबेंजीन की देखें तो 0.89 ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो वाटर से कम है, बट ब्रोमोबेंजीन आयडोबेंजीन आप देख रहे हैं कि इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। और अगर आप फिर ऑर्डर पूछे कि जैसे यहां पर ये है क्लोराइड, फिर एक डाई क्लोराइड, एक ट्राई क्लोराइड ले रहे ऐसे, ओके, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब इंक्रीज होते हैं बच्चों क्योंकि इनमें हैवीनेस आती जाती है। ओके, तो ये बात हो गई। और अब आते हैं कि अगर आइसोमेरिक डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात की गई हो, जैसे कि ऑर्थो डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो, बेंजीन की, तो आप देखोगे कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है ये लगभग नियरली टू सेम है, और ऑर्थो में सबसे ज्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। मीन्स अगर हम इन डाइपोलर मोमेंट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें देखोगे ऑर्थो का आएगा, फिर उससे कम मेटा का, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के फिर अगेंस्ट होने लगते हैं। अभी तो ये डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं यू है, फिर ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा और पैरा में ये जीरो हो जाएगा, यहाँ डी जो है जीरो होगा, बाकी इनका डी जीरो म्यू डी जीरो नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा बच्चों क्योंकि टोटल बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो यही रीजन है कि जो ऑर्थो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, फिर इनमें थोड़ा कम होगा, इससे कम इसका होना था, लेकिन इसमें एक सिमेट्रिकल नेचर आ जाता है बच्चों। सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल प्लेनर हो गया और सिमेट्रिकल हो गया, ऐसे में ये एक गुड क्लोज पैकिंग, एक अच्छी पैकिंग शो करता है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप देखोगे कि जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इन तीनों से, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल नेचर इसी में है। तो यही मैंने लिखा है कि डाई हैलोजन्स बॉइलिंग पॉइंट नियरली द सेम बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा ठीक है हायर देन मेटा एंड ऑर्थो आइसोमर ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर एंड बेटर क्लोज पैकिंग इन पैरा आइसोमर। पैरा में एक बेटर क्लोज पैकिंग है, तो ऑर्थो में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और जो पैरा आइसोमर है उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये रीजन है इसमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होना और इसमें सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग और सिमेट्रिकल नेचर होना। ओके, तो यही लिखा है बच्चों कि समवायवी डाई हैलोजन व्युत्पन्नों में क्वथनांक लगभग समान है किंतु गलनांक पैरा का गलनांक जो है मेटा और ऑर्थो समवायवी से अधिक होता है क्योंकि पैरा समवायवी सममित होता है और उच्च निबिड संकुलन दर्शाता है। तो ये एक बहुत ही काम का क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखना है आपको। ओके, कि किसका गलनांक और किसका क्वथनांक, किसका बॉइलिंग पॉइंट और किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा ऑर्थो का रखना है, सबसे आगे ऑर्थो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में किसका रखना है पैरा का। ओके, कि पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, इन्हें आप नोट करें।